हेलो फ्रेंड्स, एस्प्रेसो में आपका स्वागत है। मैं हूं शेखर थोरात, आप सब मुझे जानते ही होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक यूनिक ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की। कैसे हम कुछ इंडिकेटर्स की मदद से यहां पे हमारा एंट्री और एग्जिट को प्लान करेंगे। दोस्तों, आज हम जो इंडिकेटर की मदद से यहां पे एग्जिट करने वाले हैं वो है ATR। कैसे हम दोस्तों ATR की मदद से हमारी एंट्री और एग्जिट को प्लान करने वाले हैं, ये हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, ATR एक मार्केट वॉलेटिलिटी इंडिकेटर है जिसे काफी ट्रेडर्स टेक्निकल एनालिसिस में यूज करते हैं, और आज हम भी दोस्तों इसका यूज करके हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट प्लान करने वाले हैं। तो कैसे करना है, कैसे इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना है, ये आज के वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो को दोस्तों पूरा देखिए ताकि आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी तरीके से समझ में आए। एक चीज को ध्यान में रखें दोस्तों, मैं जो भी स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस से शेयर कर रहा हूँ। किसी भी स्ट्रैटेजी को लाइव मार्केट में करने से पहले आप उसे प्रैक्टिस जरूर कीजिए और पेपर ट्रेडिंग जरूर कीजिए। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम आज की स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे जो टाइम फ्रेम लगाना है वो है 1 मिनट का टाइम फ्रेम, और हम बैंक निफ्टी के चार्ट में है। इस स्ट्रैटेजी को हम बैंक निफ्टी के इंडेक्स में करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी का स्पॉट का चार्ट है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। इंडिकेटर्स के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाना है और टाइप करना है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जहां पे मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टाइप किया तो उसे 2 बार मुझे सेलेक्ट करना है, और जैसे ही 2 बार करूंगा तो मुझे इस तरीके से 2 इंडिकेटर्स यहाँ पे दिखेंगे। पहले वाले के सेटिंग में मुझे जाना है और उसका जो कलर है उसे मैं ब्लू कलर कर रहा हूँ यहाँ से, और उसकी थिकनेस को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। इनपुट्स में जाके लेंथ को 50 कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे इसे ओके कर दूंगा तो ये हमारी ब्लू लाइन जो है वो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रेडी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दूसरे मूविंग एवरेज की सेटिंग में जाऊंगा और वहां पे लेंथ को 200 कर दूंगा। स्टाइल में जाके उसके कलर को ब्लैक कर दूंगा, उसकी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा दूंगा। दोस्तों, ये कलर्स मैंने सिलेक्ट किए, आप चाहो तो यहाँ पे डिफरेंट कलर्स को सिलेक्ट कर सकते हो। इसे ओके कर देना है इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पे जो तीसरा इंडिकेटर मैं लगाऊंगा जिसकी मैंने आपको बात कही थी वो है ATR। तो ATR होता है एवरेज ट्रू रेंज। तो इस तरीके से अगर आप सर्च करते हो तो यहाँ पे आपको दिखेगा एवरेज ट्रू रेंज, इसे सेलेक्ट कर लेना है। और इस तरीके से बाय डिफॉल्ट जो इसकी सेटिंग्स है हमें यही उसे लगानी है। अब दोस्तों इसकी मदद से हम एंट्री और एग्जिट कैसे लेंगे ये जानते हैं। तो दोस्तों आपको पहले मैं समझा देता हूँ कि पोजिशन आपको कब बनानी है। ओके, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको देखेगा ये ब्लैक कलर की लाइन जो है वो है 200 मूविंग एवरेज की लाइन। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये है 200 मूविंग एवरेज की लाइन और ये है 50 मूविंग एवरेज की लाइन। अब दोस्तों जब भी ये जो कैंडल्स है, ये कैंडल्स जब भी इस 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रही होती है, ये कैंडल्स जब इस 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रही होती है तो दोस्तों हम लोग जो भी ट्रेड लेंगे वो लेंगे पुट की ट्रेड। यहाँ पे हम पुट की ट्रेड लेंगे जब भी ये कैंडल्स इस 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रही होगी। तब दोस्तों यहाँ पे एक तो हम फ्यूचर्स को शॉर्ट करेंगे, या तो दोस्तों अगर हम ऑप्शन बायर है तो पुट को यहाँ पे खरीदेंगे। ओके, ये सिंपल है। और इसका ही वाइस वर्सा अगर मैं बता दूं कि जब भी ये कैंडल्स जो है इस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर होती है, जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जब भी ये कैंडल्स इस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रही होती है, जैसे कि इस केस में है, यहाँ पे देखिए दोस्तों ये कैंडल्स जब भी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रही है तो हम यहाँ पे कॉल को खरीदेंगे, CE को खरीदेंगे, या फ्यूचर्स वाले यहाँ पे बाय करेंगे या लॉन्ग करेंगे। ओके, ये सिंपल सा लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूं ट्रेड कहां पे लेनी है। जब भी दोस्तों यहां पे इस तरीके से ये जो कैंडल्स है, ये कैंडल्स जब भी इस ब्लू लाइन को ऐसे टच करते हैं, जब भी इस ब्लू लाइन को इस तरीके से टच करते हैं, जैसे आप इस केस में देख सकते हो, मैं यहां पे आपको जूम करके दिखाता हूं। ओके, जब भी ये कैंडल्स इस लाइन को इस तरीके से क्रॉस करती है, जैसे आप यहां पे देखोगे तो लाइन को क्रॉस कर रही है। ओके, यहां पे देखिए, जब भी इस लाइन को इस तरीके से ये कैंडल क्रॉस करती है और यहां पे एक रेड कैंडल बन जाती है कुछ इस तरीके से, या आप इस कैंडल को भी ले सकते हो। बस ये चीज ध्यान रखिए कि कैंडल की जो क्लोजिंग है वो नीचे की तरफ होनी चाहिए, यहां पे विक नहीं होनी चाहिए, कैंडल की क्लोजिंग नीचे की तरफ होनी चाहिए। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन होने के बाद, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक फॉर्मेशन हुआ है, तो मेरी जो ट्रेड है मैं यहाँ पे बनाऊंगा शॉर्ट की पोजीशन, देखिए इस केस में। ओके, अब दोस्तों
स्टॉप लॉस लगाने के लिए हम एटीआर की मदद लेंगे। आप यहां पे देख सकते हो इस कैंडल का एटीआर हमें चेक करना है, जिस कैंडल की मदद से हम एंट्री ले रहे हैं। तो मैंने इस कैंडल की मदद से एंट्री ली है, तो मैं इसी कैंडल का एटीआर मुझे यहां पे नीचे लेके जाना है और एटीआर के लाइन के ऊपर मेरे माउस को लगाना है। तो राइट साइड में आप देख सकते हो एक वैल्यू आपको दिखेगी जो है 15.30। तो एटीआर है 15.30। अब इसे मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, मतलब 15.30 × 2, मतलब दोस्तों 15 को हमें डबल करना है। तो 15 × 2 करेंगे तो 30 की वैल्यू आ रही है। अब दोस्तों जो हमारा एसएल होगा वो हमें लगाना है 30 का। ये लॉजिक आप याद रखिए दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी में मैंने ये लॉजिक बनाया है कि जो भी एटीआर आपको वैल्यू रहेगी उसका डबल हमें यहाँ पे एसएल लगाना है, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया। और हमारा जो टारगेट होगा इस स्ट्रैटेजी में वो हमें लगाना है 1:1.5। दोस्तों इस चीज को मैंने बैक टेस्टिंग किया हुआ है और उस एक्सपीरियंस से मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि यहाँ पे जो एटीआर का है हमें डबल वैल्यू लगाना है, जो एटीआर रहेगा उसका डबल यहाँ पे एसएल लगाना है और जो टारगेट रहेगा दोस्तों वो रहेगा 1:1.5 ऑफ द एसएल, जो कि एसएल यहाँ पे लगाएंगे वहां पे 1:1.5 का लगा रहा है। तो यहां पे आप देख सकते हो सबसे पहले जो चीज हिट हुई है वो है आपका टारगेट। यहां पे आपका एसएल हिट नहीं हुआ है, आपका टारगेट पहले हिट हुआ है। तो ये एक ट्रेड होगी। इसके बाद दोस्तों आप यहां पे देख सकते हो वापस से यहां पे एक मोमेंटम आया है। आप देख सकते हो किस तरीके से ये यहां पे ग्रीन कैंडल बनी है, इसके बाद तुरंत ये रेड कैंडल बनी है। तो ये रेड कैंडल जैसे ही नीचे की तरफ क्लोजिंग देगी आपको यहां पे बनानी है एक शॉर्ट की एंट्री। आप देखिए यहां पे मैं एक शॉर्ट की एंट्री प्लान करूंगा जो कि है इस लेवल पे। अब मेरा एटीआर यहां पे कितना आ रहा है तो मैं एटीआर एक बार चेक कर लेता हूं। दोस्तों देखिए इस रेड कैंडल पे मेरा जो एटीआर है वो आ रहा है 16 × 2 करेंगे तो 32। तो मेरा जो एसएल आएगा वो आएगा 32 का। आप देख सकते हैं 32 का एसएल मैंने लगा दिया। 1:1.5 का टारगेट लगाना है जो कि आ रहा है यहाँ पे। तो इस केस में भी आप देख सकते हो दोस्तों मेरा टारगेट पहले हिट हुआ है, एसएल नहीं हुआ है। ये दो ट्रेड्स मैंने आपको यहाँ पे बैक टू बैक दिखा दी। उसके बाद यहाँ पे फिर से देख सकते हो मार्केट यहाँ पे फिर से ऊपर गया है, उसके बाद यहाँ पे रेड कैंडल बना दी है। ओके तो देखिए अब मान लीजिए दोस्तों मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बना दी, देखिए इस कैंडल पे। ओके अब इस कैंडल पे मेरा एटीआर कितना आ रहा है दोस्तों, तो एटीआर अगर देखेंगे तो एटीआर आ रहा है 14.90। 15 पकड़ लेते हैं, 15 × 2 30 का मेरा यहाँ पे एसएल आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 का एसएल अगर मैं लगाता हूँ तो इस तरीके से आएगा और यहाँ पे टारगेट आएगा 1:1.5 का। दोस्तों आप टारगेट जो है 1:1 भी लगा सकते हो, मैंने मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 1:1.5 का लगाया है। अब देखिए दोस्तों ये काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पे ट्रेड है। इसमें आप देख सकते हो कि मार्केट हमेशा हमारी मर्जी से मूव नहीं होता है, हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं चलता है। आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट जो है हमारे ट्रेड के अकॉर्डिंग नीचे ही गया है और यहाँ पे टारगेट भी हिट किया है, लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के लिए मार्केट ने एसएल को हिट किया है। ये काफी अनफॉर्चुनेट है, लेकिन वो ये होता है दोस्तों मार्केट में, ये चीज बड़े बड़े ट्रेडर्स के साथ भी होती है। आप देख सकते हो आपका जो एसएल यहाँ पे आया था वो कुछ पॉइंट्स के लिए हिट होके मार्केट ने टारगेट हिट किया है। एनीवेज दोस्तों आप देख सकते हो क्या पावर है इस स्ट्रेटजी की, किस तरीके से एक्यूरेटली ये अपने रिजल्ट्स यहाँ पे अचीव करती है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों और देखेंगे और कौन सी ट्रेड में हमें क्या मिलता है रिजल्ट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फिर से मार्केट ऊपर गया है, ये ग्रीन कैंडल बना दी, इसके बाद यहाँ पे इस रेड कैंडल ने क्लोजिंग नीचे दी है। तो मान लीजिए दोस्तों मैं यहाँ पे फिर से एक बार शॉर्ट पोजिशन यहाँ पे बनाऊंगा, मेरा जो एटीआर यहाँ पे है इस कैंडल का वो है 15 का, तो मैं 30 पॉइंट यहाँ पे मेरा एसएल लगा दूंगा। 15 × 2 तो 30 पॉइंट का एसएल, 1:1.5 का मैं लगाऊंगा दोस्तों यहाँ पे टारगेट। देखिए और आप क्लियरली देख सकते हो कि जो सबसे पहले हिट हुआ है वो टारगेट हुआ है और एसएल यहाँ पे हिट नहीं हुआ है। यही चीज दोस्तों हम आगे भी करेंगे तो आपको सेम रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि दोस्तों इस स्ट्रेटजी में यहाँ पे देखिए दोस्तों फिर से आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा मार्केट इसके ऊपर गया, फिर से नीचे आके यहाँ पे इस कैंडल ने क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट की पोजीशन बनाऊंगा। एटीआर की मदद से दोस्तों आपको यहाँ पे काफी फायदा होता है। एवरेज ट्रू इंडिकेटर जो है वो वॉलेटिलिटी का जो इंडेक्स होता है तो उसके हिसाब से आपको ये बताता है कि कहाँ पे आपका एसएल आएगा, कहाँ पे आपका टारगेट आएगा, ये एक्यूरेटली आपको अच्छी तरीके से बताता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इस कैंडल का जो एटीआर है वो है 14, तो यहाँ पे हम 28 पकड़ लेते हैं। 14 × 2 को करेंगे अगर तो 28 का यहाँ पे एसएल आता है। तो देखेंगे दोस्तों 28 हमारा आ रहा है करीब करीब
देखिए यहाँ पे आ रहा है हमारा 28, ओके। अब 28 के बाद जो टारगेट हम लगाएंगे 1:1.5 का लगाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आएगा 1:1.5। देखिए हमारा टारगेट दोस्तों यही पे अचीव हो रहा है, काफ़ी कम पॉइंट्स है, बट दोस्तों ट्रेड जो है वो यहाँ पे सक्सेसफुली क्लोज हो रही है, आप देख सकते हो। ऐसा नहीं है दोस्तों कि हर बार इसमें आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ही मिलेंगे, हो सकता है यहाँ पे आपका एसएल भी हिट हो। अब दोस्तों ये हो गए हम लोग जो ट्रेड्स लिए वो 200 मूविंग एवरेज के नीचे के। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा किस तरीके से 200 मूविंग एवरेज के ऊपर की जो ट्रेड्स है वो किस तरीके से वर्कआउट होते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट जो है वो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको जो ट्रेड्स लेनी है वो ऊपर के साइड लेनी है, मतलब यहाँ पे आपको कॉल बाय करना है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स इसके भी आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों जैसे मार्केट यहाँ पे नीचे गया है, इसके बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना दी है, तो यहाँ पे हमारी लॉन्ग पोजिशन बनेगी इस तरीके से। यहाँ पे जो ATR आ रहा है दोस्तों, ATR को अगर आप देखते हैं तो वो है 22.97, मतलब 44 का SL मैं यहाँ पे लगा दूंगा जो कि है 44। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आ रहा है 44। अब इसके साथ 1:1.5 का मैं लगा दूंगा दोस्तों टारगेट, तो मेरा 1:1.5 आएगा दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अब इस केस में आप देख सकते हो दोस्तों कैसे आपका यहाँ पे सबसे पहले जो चीज हिट हुई है वो है आपका SL हिट हुआ है। यहाँ पे आपका टारगेट हिट नहीं हुआ है, SL हिट हुआ है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि इस स्ट्रेटजी में आपके SL भी हिट हो सकते हैं और टारगेट भी हिट हो सकता है, आपको इसे प्रैक्टिस करना है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों किस तरीके से मार्केट फिर से नीचे गया और फिर से यहाँ पे इस ब्लू लाइन को, 200 की लाइन को तो क्रॉस कर ही दिया है, लेकिन ब्लू लाइन को भी ऊपर की तरफ इस कैंडल ने क्लोज किया है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे भी अगर एक पोजिशन बनाता हूँ, देखिए इस कैंडल ने क्लोजिंग दिया है ऊपर, और यहाँ पे इस कैंडल का जो ATR है वो हम देखेंगे कितना है। इसका ATR दोस्तों है करीब करीब हमें आ रहा है, देखिए यहाँ पे इसका जो ATR हमें आ रहा है वो है 50 का। तो मैं यहाँ पे जो SL लगा दूंगा दोस्तों वो होगा मेरा 100 के आसपास, ओके। देखिए यहाँ पे वॉलेटिलिटी काफी हाई थी, उस हिसाब से आपको इसने सजेस्ट किया हुआ है। अब आप देखोगे तो वॉलेटिलिटी के हिसाब से ही आपको ये सजेस्ट करता है कि जब भी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है तो देखिए आपका टारगेट भी बढ़ा दिया, SL भी बढ़ा दिया। तो आप देख सकते हो 100 पॉइंट्स का SL है और 150 पॉइंट्स का टारगेट आपका यहाँ पे इजीली अचीव हुआ है। सबसे पहले जो चीज़ अचीव हुई है वह है आपका टारगेट। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको ट्रेड्स लेने हैं बाय साइड के, और पहले एग्जांपल जो दिया मैंने 200 के नीचे अगर होगी कैंडल्स तो आपको सेल साइड के ट्रेड्स लेने हैं। तो दोस्तों आपको अगर इस स्ट्रैटेजी में कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज है, डाउट्स है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर पूछ सकते हो। दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग करने से पहले पेपर ट्रेडिंग जरूर कीजिए, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग काफी रिस्की होता है। जो भी नॉलेज मैंने आज आपको शेयर किया वो प्योरली एजुकेशनल पर्पज से था। तो आने वाले वीडियोस में आप कौन से टॉपिक के बारे में वीडियो देखना पसंद करोगे या कौन सी नई स्ट्रैटेजीज को देखना पसंद करोगे, ये कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताइए। और ये स्ट्रैटेजी आपको कैसे लगी ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है नए वीडियोस आपके पास लाने के लिए। और अगर आप चैनल पे भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरीके के कुछ नॉलेजेबल कॉन्टेंट के साथ। तब तक थैंक यू सो मच और जय हिंद। सिक्योरिटीज मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। स्कीम से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।